लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कभी पति से अनबन के बाद तलाक चाहती थी एक ट्रेस, तीसरी बार बनेंगी मां रंभाव की गिनती उन अभिनेत्रियों में होती है जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ही हिंदी की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। रंभा का जन्म 5 जून 1978 को हुआ था। उन्होंने बेहद छोटी उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। रंभा को विजय लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं की करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया है। रंभा का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। जब वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी उस समय वो स्कूल के एनुअल डे प्रोग्राम में भाग ले रही थी। इस दौरान वहाँ फिल्म डायरेक्टर हरिहरन भी मौजूद थे जिन्हें रंभा की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। इसके कुछ साल बाद उन्होंने रंभा को अपनी फिल्म सरगम में लीड एक्ट्रेस के तौर पर उतारा। यह फिल्म सफल साबित हुई थी। रजनीकांत और कमल हासन के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद रंभा चर्चाओं में आई थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म जुड़वा और बंधन जैसी हिट फिल्में दी। उन्होंने गोविंदा के साथ भी प्यार दीवाना होता है और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी फिल्में की। मिथुन चक्रवर्ती के साथ जलाद, जुर्माना, धनवीर और जंग जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। रंभा ने 8 साल पहले 2010 में इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी की थी। उनके पति मैजिक वुड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। शादी के बाद रंभा टोरंटो में रहने लगी थी। लानिया और साशा रंभा की बेटियां हैं। वो तीसरी बार मां बनने वाली हैं। हाल ही में उन्होंने एक फोटो शेयर कर सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी शेयर की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रंभा की शादीशुदा लाइफ में अनबन की खबरें भी प्रकाशित हुईं। कहा गया कि रंभा पति से तलाक चाहती हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अनबन और तलाक की खबरों का खंडन किया था। उन्होंने इस तरह की खबरों को अफवाह करार दिया था। रंभा की ननद ने उन पर ज्यादा दहेज देने के लिए प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए थे। रिपोर्ट्स यह भी है कि पति से अनबन के बाद रंभा ने अपनी बेटियों के पालन पोषण के लिए लीगल हेल्प भी मांगी थी।